नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन में मदद करने के लिए दोस्तों मैं लेकर आया हूँ एक ऑसम लेक्चर मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की सीरीज में। दोस्तों अभी तक मैं इस सीरीज में जून तक के करंट अफेयर अपलोड कर चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने देखे होंगे। आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों जुलाई के करंट अफेयर के ऊपर मैं इन टोटल 3 लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। और ये वाला जो पर्टिकुलर लेक्चर है दिस वन इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस जुलाई करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों इसी बैकग्राउंड के साथ हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं आपसे। सबसे पहली बात तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूं उन सभी एस्पायरेंटों को जिन्होंने इस इनिशिएटिव या इस चैनल को सपोर्ट किया है, सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा कुछ बातें बताना चाहता हूं, जो भी हमारे पेड वाले सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एक मेल आया होगा इनवाइट वाला, ठीक है, इनवाइट टू ज्वाइन स्ट्रेट जीरो क्लासरूम। अगर आप उसे ज्वाइन करेंगे तो सारे मॉक टेस्ट पेपर, सॉल्यूशंस और पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज डू आस्क मी। सेकेंड थिंग जो मैं आपके संग बोलना चाहता हूं कि आप लोग, ये सजेशन है आप सभी के लिए, अगर आप लोग 2019 का प्रीलिम्स बड़े आसानी से निकालना चाहते हैं तो प्लीज मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए और जो वीडियोस हैं उनको एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। ये मेरी तरफ से सजेशन है आप सभी के लिए। उसके अलावा भी जैसे मेरे पास रेगुलरली ये कोई इंक्वायरीज आती हैं, कॉल आते हैं कि सर ये जो प्राइवेट वीडियोस हैं इनको कैसे देखना है, तो मैं आपको बता दूं एक फी पे करनी है आपको। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग फी को अफोर्ड ना कर पाए या फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, तो उन सभी को मैं बोलना चाहता हूं प्लीज आप मुझे कॉन्टेक्ट करें मेरे नंबर पे, मेरे मेल आईडी पे, जो मेल आईडी आप यहां पे देख रहे हैं, विल फाइंड सम और दी अदर वे, ठीक है, बिकॉज मेरा ओनली एम ये है कि हर जरूरतमंद की मदद हो सके। सो प्लीज 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 डू कॉन्टेक्ट मी, मे बी आई कैन हेल्प यू आउट। चलिए विद दिस बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट टूडेज लेक्चर। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है ये स्पोर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड है। एक्चुअली एक शूटिंग प्लेयर है ऐश्वर्या प्रताप सिंह, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह अगर पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आए किस फील्ड से रिलेटेड है, ये स्पोर्ट की फील्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन थोड़ा और टफ करते हैं, ये पूछा जाए ऐश्वर्या प्रताप सिंह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो याद रखना ये रिलेटेड है शूटिंग से, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया और ये है कहां से, तो ये है खरगोन डिस्ट्रिक्ट से। आपको पता है खरगोन कहां पे एमपी में, तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और इन्होंने अभी क्या किया था, इंडिया का 50 मीटर राइफल शूटिंग कंपटीशन हुआ था जो कि किजच रिपब्लिक में हुआ था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। तो आप देख रहे हो ये यानी एमपी की पर्सनैलिटी है जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, कहां पे, किजच करके एक कंट्री है वहां पे, ठीक है, चिकोस लाबिया करके जो कंट्री है वहां पे जाके इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो याद रखना ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो कि मध्य प्रदेश के एक शूटिंग खिलाड़ी हैं, याद हो गया। सेकंड पे आते हैं, एमपी में आपको पता होगा मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। अब इस योजना के तहत इस योजना के काफी कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट का मतलब ये बहुत सारे एरियाज को कवर करती है, जैसे कि लोक बागों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, उनके बिल को माफ करवाना, उनके बच्चों के लिए क्या कहते हैं स्कूल में एडमिशन करवाना, तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं इसमें। उन्हीं में से एक कंपोनेंट के ऊपर ये है कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स हैं देखिए इकोनॉमी में जो आपके सेक्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सारे सेक्टर होते हैं जहां पे पीएफ और आपके क्या कहते हैं पेंशन वगैरह की और आपकी लाइफ सिक्योरिटी वगैरह की सारी प्रोविजंस होती हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जहां पे आपको ये सारी चीजें नहीं मिलती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वाला सेक्टर हो गया, ठीक है, वो एक तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। तो जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके जो बच्चे होंगे उनको कॉलेजेस में फ्री एडमिशन मिलेगा इस योजना के तहत, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जन कल्याण योजना किस फील्ड के लिए है, बहुत सारी फील्ड के लिए और बहुत सारे कॉम्पोनेंट है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जो अनऑर्गेनाइज वर्कर के बच्चे हैं उनको फ्री एडमिशन मिलेगा कॉलेजेस में, ठीक है, अंडर दी चीफ मिनिस्टर पब्लिक वेलफेयर स्कीम, यानी जिसका हिंदी में क्या नाम है, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, ठीक है, एजुकेशन इनिशिएटिव, यानी ये एजुकेशन वाला कंपोनेंट है इसी स्कीम का। आगे अगर हम बात करें कि इसमें एक तरीके से आप देखिए ये एक तरीके से क्या आर्टिकल है, इस आर्टिकल में से बस जो काम की बात थी वो ये थी कि जन कल्याण योजना क्या है, लेकिन आप इसको पढ़ना
ठीक है, हो सकता है फॉन्ट साइज छोटी हो, आप इसे डाउनलोड करना और पढ़ना। अब देखिए ये आप कैसे यूज कर सकते हो, या तो ये आए कि मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन आए कि भाई इनलिस्ट दी एफर्ट ऑफ एमपी गवर्नमेंट टू अपलिफ्ट दी बीपीएल सेक्शन या अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, या फिर क्या कहते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी एजुकेशन लेवल ऑफ दी हमारा जो स्टेट है उसके बारे में। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप ये स्कीम मेंशन करोगे। देखिए आप अपने जब आंसर्स में स्कीम वगैरह मेंशन करते हो तो आपका आंसर दूसरों के आंसर के कंपैरिजन में बेहतरीन हो जाता है। तो ये बस यहां से आप पढ़ लेना, एक तो आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें देखिए कि ये कब डिसाइड किया गया, स्टेट गवर्नमेंट जो है एमपी की, उन्होंने ये सोचा था कि फ्री एजुकेशन प्लान बनाया था कि जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस और ग्रांटेड एड कॉलेजेस में एडमिशन दिया जा सके। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उनको फ्री एडमिशन दिया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी उनको एडमिशन दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत जो पेरेंट्स होंगे विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इन दी लेबर डिपार्टमेंट एज अनऑर्गेनाइज्ड वर्करमैन। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, तो समझ रहे हो, तो जस्ट गो थ्रू इट। बाकी काम की चीज क्या है कि जो जन कल्याण योजना है वो एजुकेशन वाला भी कॉम्पोनेंट है उसमें। ये देखिए जन कल्याण योजना, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मतलब इसी योजना के तहत ये एक और कॉम्पोनेंट है। और यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है असंगठित कार्यकरों के सॉरी कर्मकारों के बच्चों को कॉलेजों में मिलेगा निशुल्क प्रवेश। गॉट इट? सेम एडिटोरियल जो अभी मैंने इंग्लिश में आपको बताया वो हमारे हिंदी के एस्पायरेंटों के लिए, असंगठित कार्यकारों के बच्चों को कॉलेजों में मिलेगा निशुल्क प्रवेश और मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत। ठीक है, तो यहां पे आपको बस ये काम की चीज है। आगे चलते हैं, अगला करंट अफेयर है जो एमपी में नया डिस्ट्रिक्ट। अभी तक आपको पता था कि एमपी में 51 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन 2018 में एक और डिस्ट्रिक्ट बनाया गया वो जो कि 52nd डिस्ट्रिक्ट हो गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, निमाड़ी। क्या है, निमाड़ी। निमाड़ी ये इंग्लिश में है और हिंदी में ये लिखा हुआ है निमाड़ी। अच्छा, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये कहां से कैसे बनाया गया, टीकमगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट था एमपी का पहले उसको उसको सेपरेट कर दिया, उसकी एक तहसील थी इससे पहले निमाड़ी, उस तहसील को निकाल के अब एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा एज पर सेंसस 2011 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन एमपी। तो ऑप्शन होंगे 50, 51, 52, 53। अब जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तेजी से देखेंगे, ओ मैं तो पढ़ के आया था 52 डिस्ट्रिक्ट हो गए। पर भैया क्वेश्चन ढंग से देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेंसस 2011 के हिसाब से। तो अगर सेंसस 2011 के हिसाब से जाओगे तो 51 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि एज पर टिल डेट आ जाए, मतलब जब एग्जाम हो रहा है तब कितनी डिस्ट्रिक्ट है, तो याद रखना तो हो जाएंगी आपकी 52 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो पहली बात तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, दूसरी बात लोकेशन की बात। अगर पेपर में ऐसा है कि विच इज द न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्मड इन एमपी, तो निमाड़ी है। कहां से बनाया गया, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से निकाल के बनाया गया। मैप की बात करें तो ये देखिए ये है एमपी का मैप और यहां पे ये आता है टीकमगढ़, ये रहा टीकमगढ़ का मैप। टीकमगढ़ में अगर आप देखो तो ये रहा निमाड़ी तहसील, इस तहसील को निकाल के अब क्या कर दिया गया है, एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ठीक है, इससे ज्यादा क्लियरली और कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछ ले जो नई तहसील बनी है वो किस स्टेट को टच करती है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, यूपी। देख रहे हो, तो क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकता है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो अब आगे चलते हैं, ये अगेन एक एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल आपके मेंस के काम में आएगा। इस एडिटोरियल में आपको क्या बताया गया है कि हमारी जो गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की, उन्होंने कहा बच्चों की आप हैप्पीनेस पे ध्यान दो अगर आप उनकी ग्रेडिंग उनका स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो। तो एक तरीके से अब अगर एजुकेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपके मेंस में तो या आप ये लाइन कोट कर सकते हो कि एज पर यू नो कि एज पर दी गवर्नर ऑफ एमपी ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एजुकेशन लेवल इट इज नॉट ओनली द टीचर्स और नॉट ओनली द कंटेंट, अदर फैक्टर्स ऑल्सो मैटर्स लाइक हैप्पीनेस। ठीक है, उसके अलावा जो गवर्नर पटेल जी थी उन्होंने जो हमारे एमपी हैं वहां के जो वाइस चांसलर्स हैं कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज के, उनके साथ डिस्कशन भी किया कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो अब अगर आप ये एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, जैसे कि देखिए उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहली बात तो स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है इन किस पे, बच्चों की हैप्पीनेस पे, मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, आप पढ़ाना की क्वालिटी बढ़ाओ लेकिन बच्चों की हैप्पीनेस भी बढ़ाओ। उसके अलावा जो अलग अलग स्कीम चलाई जाती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा
ज्यादा उन स्कीम को ढंग से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। उसके अलावा उन्होंने इसकी भी बात की कि जो नेक ग्रेडिंग और रूसा प्रोजेक्ट है उसको किस तरीके से अच्छे से इंप्लीमेंट करवाया जाए, है ना। यहां पे आप देखो कुछ और डेटा मिलेगा आपको, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन तो मिस्टर बी आर नायडू हैं। तो ये जो डिटेल है आप इसको बस एक बार पढ़ लेना, मैं तो सब कुछ कवर नहीं कर सकता, ठीक है, स्पून फीडिंग नहीं करवा सकता, बट जस्ट गो थ्रू इट। उसके अलावा हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि जैसे योगा डे को सेलिब्रेट किया जाए, उन्होंने बोला स्पोर्ट को प्रमोट किया जाए किस तरीके से, जैसे उन्होंने बोला बाइसिकल कॉम्पिटिशन करवाया जाए, तो आप देख रहे हो। उसके अलावा गांधी 150 प्रोग्राम के तहत भी उन्होंने बोला कि बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। उसके अलावा उन्होंने बोला जैसे कि गवर्नर ने यह भी बोला कि जैसे चाइना जापान होते हैं वहां पर डिमांड की जाती है एक योगा गुरु की, ठीक है, तो यानी बच्चों को योगा के लेसन दिए जाएं सो दैट उनके लिए एक लाइवलीहुड या एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, क्योंकि जैसे चाइना है जापान है वहां पे योगा टीचर्स योगा इंस्ट्रक्टर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है। तो अगर हम अपने बच्चों को पहले से ही योगा की क्लासेस देंगे तो वो आगे जाके योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। उनको भाई जो सेकेंडरी लैंग्वेजेस सिखाई जाए यानी चाइनीज लैंग्वेज जैपनीज लैंग्वेज, तो वो बाहर की कंट्रियों में आसानी से जॉब ले सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आप लिखोगे अगर मान लो पेपर में ये आता है कि भाई गिविंग कंसिडरेशन टू द स्टेटस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम व्हाट आर द एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू इंप्रूव इट, तो आप ये सारे एफर्ट लिख सकते हो कि स्पोर्ट पे ध्यान दो, आप एडिशनल लैंग्वेजेस पे ध्यान दो, आप योगा इंस्ट्रक्शन पे ध्यान दो, आप ये हैप्पीनेस पे ध्यान दो। उसके अलावा एक और प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री है ना, तो उनके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था आई एम फिट इंडिया फिट चैलेंज, जिसके तहत बच्चों के अंदर एक स्पिरिट ऑफ चैलेंज डेवलप की जाए। तो अगर आप ये सारे इनिशिएटिव को लिखते हो तो बस आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव होगी, प्लस प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद करेगा ही करेगा। गॉट इट। आगे देखिए, ये एडिटोरियल आया था जिसमें ये पूरी बात की गई थी, जहां से मैंने ये पूरा आर्टिकल बनाया है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना, हिंदी वाले एस्पायरेंट यहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अभी ये हिंदी में भी आएगा सारी चीजें जो भी है। अगर देखो फॉन्ट साइज छोटा हो तो कोई बात नहीं, आप इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड कहां से करोगे मैं फिर से बता देता हूं, स्ट्रेट जीरो चैनल पे जाओ, यूट्यूब चैनल पे ऊपर कम्युनिटी वाला टैब होगा, कम्युनिटी वाले टैब पे क्लिक करना, या तो कम्युनिटी वाले टैब पे क्लिक करना, तो वहां पे आपको पोस्ट दिखेंगी बहुत सारी, उस पोस्ट में वहां पे डला होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप क्या करना, ये इंस्टामोजो पे इंस्टामोजो स्ट्रीट 01990 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, आप उस पर क्लिक कर देना तो आप उस पर पहुंच जाओगे स्टोर पे, वहां पर जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो ये सेम एडिटोरियल यहां पर हिंदी में दिया हुआ है, आपके जो भी हिंदी एस्पायरेंट है वो यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी एमपी में क्या किया गया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो कंप्लेंट होती थी उसको रिजॉल्व करने के लिए एक ऐप मोबाइल ऐप डेवलप किया गया, उस ऐप का नाम रखा गया है उपाय। तो बस पेपर में ये आ जाएगा उपाय क्या है, उपाय याद रखना, एक मोबाइल एप्लीकेशन है टू रिजॉल्व दी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कंप्लेंट, ठीक है। तो पेपर में क्या आएगा, उपाय क्या चीज है, तो याद रखना उपाय क्या है, एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे आप अपनी मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन चलाते हो ना, वैसी एक एप्लीकेशन है जिसके तहत आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कंप्लेंट वगैरह को दर्ज करा सकते हो। जैसे देखो यहां पे पंप के कनेक्शन को आप ले सकते हो, एलटी सर्विस कनेक्शन ले सकते हो, एचटी सर्विस कनेक्शन ले सकते हो, शिकायत लिख सकते हो, बिजली खातेदारों का ब्यौरा ले सकते हो, मोबाइल अपडेट ले सकते हो, तो देख रहे हो इतनी सारी सर्विसेज हैं इसके तहत। आगे चलते हैं भैया, एमपी में क्या किया गया है, एक तरीके से ये जो एडिटोरियल है वो किससे रिलेटेड है, वुमेन एम्पावरमेंट से, किससे, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, मतलब औरतों का एक जो समूह होता है, वो अब से मनरेगा के तहत जो भी सोशल वर्क किए जाते हैं उनकी सोशल ऑडिट करेंगी। सोशल ऑडिट मतलब जो कि जितने भी मतलब ब्यौरा लेंगी एक तरीके से कि भाई उन्होंने कितना काम हुआ है, कितने पैसे खर्च हुए हैं, कितनों को रोजगार मिला है, कितनों को रोजगार नहीं मिला है। जिन दोस्तों को मनरेगा के बारे में नहीं पता उनको बता दूं, मनरेगा इस दुनिया का सबसे बड़ा गारंटेड एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, जिसके तहत कोई भी फैमिली के सदस्य को 100 दिन का अनऑर्गेनाइज्ड वर्क मिल सकता है, और अगर मान लीजिए उसे काम नहीं मिलता है तो 15 दिन के भीतर अगर उसे काम नहीं मिलता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो इसी इनिशिएटिव को अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी चेक करने के लिए जो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो अब चेक करेंगी, ठीक है। तो इससे अब आपको क्या समझ में आया, एक तो ये समझ में आया कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव को किस तरीके से अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, दूसरी चीज
आपको ये समझ में आया कि सरकार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या चीजें कर रही है। उसके अलावा जो मंत्री श्री गोपाल भार्गव हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद की बैठक भी बुलाई थी। मतलब जैसे कि सेंट्रल लेवल के द्वारा ये मनरेगा चलाया जा रहा है, वैसे ही एमपी के लेवल पे एक और इनिशिएटिव चलाया जाता है, मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद, ठीक है। तो उसके तहत भी ये सारी चीजें होती हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें की गई कि मनरेगा के तहत वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए जाएंगे और भी बहुत सारी जियो टैगिंग की जाएगी मनरेगा के कामों की। ये तो खैर मैंने करंट अफेयर में अभी लिया है तो इसको आगे कवर करेंगे। उसके अलावा आप इसको डिटेल इसके बारे में पढ़ लेना कि क्या क्या चीजें हैं, सो देट आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा याद रखना एमपी के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, उमाशंकर गुप्ता। आगे चलते हैं, सेम एडिटोरियल इंग्लिश में हमारे इंग्लिश एस्पायरेंट के लिए कि फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एमपी गवर्नमेंट अलाउड सेल्फ हेल्प ग्रुप टू डू दी सोशल ऑडिट फॉर मनरेगा वर्क्स, सो दैट जो मनरेगा का प्रोग्राम है वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके, ठीक है। उसके अलावा जो गोपाल भार्गव जी हैं उन्होंने एक बैठक भी बुलाई थी वहां पे, दैट्स इट। आगे चलते हैं, आपको ये याद रखना है कि जो नाबार्ड बैंक है, नाबार्ड बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, उसका वार्षिक सम्मेलन हुआ था मध्य प्रदेश में, यानी एनुअल फेस्टिवल या एनुअल मीटिंग, एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब अगर आपसे ये पूछा जाए नाबार्ड की एनुअल कॉन्फ्रेंस एमपी के किस जगह पे हुई थी, तो याद रखना भोपाल, भोपाल डिस्ट्रिक्ट, भोपाल डिवीजन, जैसे भी आंसर क्वेश्चन आता है, तो भोपाल में हुई थी इसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये एक और करंट अफेयर हो गया आपका। आगे चलते हैं, यहां पे ये बोला गया है, अगेन ये एक एडिटोरियल है जो आपके मेंस के लिए अच्छी मदद करेगा, जैसे कि एमपी में जो एमपी की राज्यपाल है श्रीमती पाटिल, उन्होंने ये बोला है जैविक खेती, जैविक खेती का मतलब होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उन्होंने बोला कि किसानों को प्रेरित करने की जरूरत है, यानी उनको इनकरेज करने की जरूरत है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के काफी फायदे होते हैं। और इससे राज्यपाल से मिले गुजरात राज्य के आए किसानों के दल। अब आपको एक बात मैं बता दूं, सबसे पहली बात तो ये याद रखना हमारे भारत का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, तो ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम, ठीक है। एमपी में भी अब अगर पेपर में ये आता है कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल या फिर फार्मर टू रिड्यूस द फार्मर डिस्ट्रेस व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय द एमपी गवर्नमेंट, तो आप बोलोगे वहां पे कि देखो जो एमपी है एमपी में किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करवाया जा रहा है सो दैट उनकी इनकम वृद्धि हो जाए, ठीक है। ये एक तरीके से आपके वन लाइन फैक्ट होते हैं जो अपने मेंस में आप यूज कर सकते हो, इज दैट क्लियर। अच्छा, उसके अलावा भी अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे कि उन्होंने जो हमारी ये पटेल या जो पटेल साहब हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने बहुत सारी चीजें की कि जैसे कि देखो राज्यपाल ने किसानों से कहा कि अपने बच्चों को खेती से जुड़े कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करें, कि मतलब कुटीर उद्योग का मतलब क्या हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री, कि ताकि उनके अंदर थोड़ी सी इंडस्ट्रियल भावना आए, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो सके और जो उनकी एग्रीकल्चर है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो सके, उनके नुकसान कम से कम हो सके, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने किसानों को सलाह दी कि खेतों और बगीचों को जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आसपास बागाड़ जरूर लगाएं, बागाड़ का मतलब क्या होता है, फेंसिंग लगाएं। फिर उसके और भी, तो आप इस पूरे इनिशिएटिव को पढ़ोगे आपको काफी अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे, सो जस्ट गो थ्रू इट। सेम इनिशिएटिव, सेम आर्टिकल यहाँ पे इंग्लिश में है हमारे इंग्लिश एस्पायरेंट के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पाटिल जी हैं उन्होंने कहा कि फार्मर्स नीड टू गेट मोटिवेटेड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। उसके अलावा भी चीजें दी हुई हैं तो आप पढ़ सकते हैं, गॉट इट। अच्छा, अगला जो एडिटोरियल सॉरी अगला जो आर्टिकल है या करंट अफेयर है वो क्या है, देखिए नीति आयोग जो है, नीति आयोग आपको पता होगा क्या है, नीति आयोग एक हमारे देश का एक थिंक टैंक है, ठीक है, थिंक टैंक है और ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बारे में के बाद बनाया गया है। कोई भी देखो जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी, स्टैचूटरी बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई जाए, जैसे कि आपका नीति आयोग है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। स्टैचूटरी बॉडी क्या होती है, जो किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाए, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की मदद से बनाई जाए। तो नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि प्लानिंग कमीशन को हटाने के बाद आया था। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। अच्छा, तो जो नीति आयोग है इन्होंने क्या कहते हैं एक मीटिंग बुलाई थी, राष्ट्रीय कृषि एवं मनरेगा समिति,
ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और मनरेगा समिति, ये कमिटी बनाई, ये कमीशन बनाया है, इसकी सबसे पहली बैठक आयोजित हुई थी, और वो बैठक कहां पे हुई थी, दिल्ली में हुई थी। तो अब आप सोच रहे होगी ये एडिटोरियल यहां पे क्यों पढ़ा रहा हूं। देखिए, ये जो समिति है और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे एमपी के मुख्यमंत्री साहब हैं, शिवराज सिंह चौहान, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड मनरेगा फॉर्म्ड बाय नीति आयोग इज चेयर्ड बाय, और दी चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन इज, तो याद रखना शिवराज सिंह चौहान इसके चेयरमैन है, ठीक है। और ये जो कमीशन है किसने बनाया है, नीति आयोग ने बनाया है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। हमारे फार्मरों का डिस्ट्रेस कम से कम हो सके और उनके नुकसान कम से कम हो सके, उनकी इनकम डबल हो सके, इसके लिए हमारे जो ये थे क्या कहते हैं मंत्री, उन्होंने ये बोला, उमा शंकर गुप्ता मतलब जो एमपी के फाइनेंस मिनिस्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो किसान हैं वो दलालों के चक्कर में ना पड़े। दलालों का मतलब क्या हो गया, मिडिल मैन, क्योंकि भाई जो मिडिल मैन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा पैसा खा जाते हैं उनके प्रोडक्ट्स का। तो उन्होंने बोला, अब ये भी अगेन याद रखना, इसके लिए उन्होंने बोला कि जितने भी फार्मर्स हैं उनके लिए स्मार्ट कार्ड बनवाए जाएंगे ताकि मिडिल मैन का बीच में इन्वॉल्वमेंट ना रहे। अब ये जो स्मार्ट कार्ड वाली बात है, ये भी किसके थ्रू इंप्लीमेंट होगी, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना यानी संबल योजना के तहत। इसके तहत क्या किया जाएगा, जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनका पंजीकरण किया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उन्हें स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे ताकि जो दलालों के चक्कर में वो पड़े रहते हैं वो ना पड़े। गॉट इट? तो अब आप देख रहे हो कि जो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना है उसका एक और कंपोनेंट क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का डेवलपमेंट या फार्मर्स का डेवलपमेंट। और आपको इस यहां से एक और चीज याद रखनी है कि उमा शंकर गुप्ता एमपी के फाइनेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। उन्होंने आगे ये भी बोला कि सरकार गरीबी हटाने के लिए कृत संकल्पित है, मतलब उन्होंने रिजोल्व ले रखा है, डिटरमाइंड है, ठीक है। और उन्होंने इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि इस योजना के बाद क्या होगा, 6 करोड़ लोग जो है उनको 1 रुपए किलो की दर पे गेहूं और चावल दिए जाएंगे। लाडली लक्ष्मी लक्ष्मी योजना के तहत 28 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके अलावा कन्यादान योजना के तहत जो कन्याएं हैं उनके खातों में 25,000 रुपए दिए जाएंगे। अब देखिए, अभी इतनी जो भी योजनाएं हैं तो इनमें क्या होता है, मिडिल मैन आते हैं बीच में। किसी भी गरीब आदमी को, किसी भी अनपढ़ आदमी को अपने ये बेनिफिट उठाने होते हैं तो वो किसी मिडिल मैन के पास जाते हैं, जिसकी वजह से उनका नुकसान हो जाता है। लेकिन एक बार स्मार्ट कार्ड बन जाएगा तो ये मिडिल मैन का कोई लफड़ा ही नहीं रह जाएगा। गॉट इट? सेम एडिटोरियल यहां पे इंग्लिश में दिया हुआ है, डू नॉट फॉल इन द फ्रे ऑफ ब्रोकर्स, ऑल विल बिकम कार्ड होल्डर्स। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है जो एडिटोरियल अभी हिंदी में बता रहा था। और ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे संबल योजना कह लो या फिर आप कह लो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। क्लियर है? प्लीज कंफ्यूज मत होना पेपर में। उसके अलावा भी प्रेग्नेंट वुमेन को दवाइयां दी जाएंगी और भी बहुत सारे चीजें किए जाएंगे, तो आप प्लीज पढ़ लेना। लाडली लक्ष्मी योजना दी के बारे में बोला गया है ना, कन्यादान योजना के बारे में बोला गया है, तो ये सारी चीजें आप एक बार गो थ्रू कर लेना। आगे चलते हैं। यहां पे एक फैक्ट है, करंट अफेयर तो नहीं है, फैक्ट क्या है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना एमपी में चलाई जाती है उसके तहत 12वीं कक्षा में जिनके भी 75% या उससे अधिक आते हैं उन बच्चों को लैपटॉप का वितरण किया जाता है। तो ये याद रखना, अगर पेपर में ये पूछा जाए कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए बेनिफिशियरी कौन है, तो याद रखना 12वीं क्लास का बच्चा जिसके 75% या उससे ज्यादा मार्क्स आए हों तो उसे लैपटॉप दिया जाता है। ये देखिए, ये योजना के बारे में दिया हुआ है, 12वीं क्लास के बच्चे पात्रता यानी बेनिफिशियरी, ठीक है। तो लैपटॉप इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट हु ब्रिंग 75% और मोर मार्क्स इन क्लास 12। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। एमपी में आपको एक बात बता दूं, ग्लोबल स्किल पार्क बनाया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, ग्लोबल स्किल पार्क एमपी में कहां बनाया गया है, तो याद रखना भोपाल में बनाया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर और टफ बनाए, एमपी में जो ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में बना है वो किस कंट्री के सपोर्ट के साथ बनाया गया है, तो उसका नाम है सिंगापुर। याद रखना, सिंगापुर के साथ मिलके एमपी के भोपाल शहर में क्या बनाया गया है, ग्लोबल स्किल पार्क, याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं।
किसानों की आय दुगनी नहीं होने तक चैन की सांस नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री श्री चौहान। ये अगेन मतलब जो फार्मर के डिस्ट्रेस को रिड्यूस करना, फार्मर की इनकम को डबल करना, ये रिजॉल्व है एमपी गवर्नमेंट और मुख्यमंत्री साहब का। उसके अलावा तो ये उसी से रिलेटेड एडिटोरियल है, बस आपके लिए इंक्लूड कर लिया है, आप इसको पढ़ लेना, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट और बातें पता चलेंगी। उसके अलावा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रचा जाएगा विकास का नया इतिहास। रेल मंत्री, आपको क्या याद रखना है, पहली बात तो एमपी के रेल मंत्री कौन है, श्री गोयल श्रीमती सॉरी श्री गोयल भार्गव शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो उसके अलावा एमपी में एक उदयपुरा समूह पेयजल योजना भी शुरू की जा रही है, ठीक है। कौन सी योजना, उदयपुरा समूह पेयजल योजना। अब ये देखो यहां पे आप देखो डिटेल अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उदयपुरा में 156 करोड़ की लागत से समूह पेयजल योजना बनाई जा रही है, ठीक है। इसकी मदद से क्या होगा, 107 गांव में 1.5 लाख आबादी, जो 1.5 लाख आबादी हो जाएगी जिनकी मिला के, उनको शुद्ध पेयजल मिलेगा, ठीक है, शुद्ध पेयजल। तो अगर आप पेपर में ये पूछा जाए कि उदयपुरा जो समूह योजना है उसके तहत क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, इज दैट क्लियर। उसके अलावा ये अगर ये पूछी जाए कि ये जो योजना है वो किसके किनारे बनी हुई है, तो ये पता है नर्मदा नदी से जोड़ के बनाई जाएगी और उन 39 शहरों को फायदा मिलेगा, ठीक है, इस पेयजल योजना से 39 शहरों को इस पेयजल से योजना मिलेगा, योजना से फायदा मिलेगा। सेम एडिटोरियल यहां पे इंग्लिश में, इंग्लिश एस्पायरेंट्स के लिए, कि इसमें आपको वही डिटेल दी हुई है कि उदयपुर योजना जो है, उदयपुरा योजना जो है वो ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है, इज दैट क्लियर। और बाकी की भी डिटेल्स यहां पे दी हुई है, तो जस्ट गो थ्रू इट। अगला जो आर्टिकल है, अगला जो आपका करंट अफेयर है, ये इसमें बताया गया है एक प्रोग्राम के बारे में, मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में अगस्त माह में, ये जुलाई में आपको मैं बता रहा हूं, तो ये अगस्त के लिए आया था, जुलाई में ये खबर कि अगस्त माह में एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होगा। उस कार्यक्रम का नाम क्या है, आ खेलें जरा, आ खेलें जरा, ठीक है। तो आ खेलें जरा बनाया जाएगा अगस्त में, और ये कार्यक्रम किस दिन होगा, किस दिन आयोजित होगा, याद रखना 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या है, 29 अगस्त को हमारे नेशनल स्पोर्ट डे है, नेशनल स्पोर्ट डे है, उस दिन ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा स्कूल, मध्य प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं वहां पे। क्या प्रोग्राम है, आ खेलें जरा, आ खेलें जरा, ठीक है। अच्छा, तो नेशनल स्पोर्ट डे किस दिन मनाया जाता है, पेपर में ये पूछा जा सकता है, तो 29 अगस्त। अब ये क्यों याद रखना है और यही क्यों पूछा जाएगा सॉरी, ये इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि मेजर ध्यानचंद जो हैं उनकी बर्थ डेट, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट या सेलिब्रेट करने के लिए। और आपको तो पता ही होगा जो ध्यानचंद हैं या रूप सिंह जो हैं वो एमपी से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, टीबी की बीमारी से ग्रसित एक बच्चे की जवाबदारी ले सक्षम व्यक्ति। अगेन ये एडिटोरियल है जो आपके आप पेपर में मदद करेगा, आपको पता होगा जो हमारे यहाँ पोषण अभियान, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोषण अभियान है, उसका भी एक टारगेट है कि हमें टीबी को पूरा इरेडिकेट करना है, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस को। तो एमपी की जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें कार्यरत है। तो अगर पेपर में यह पूछा जाए कि ट्यूबरक्लोसिस को रिमूव करने के लिए हमें क्या एफर्ट उठाने होंगे, तो उसी में यह मदद करेगा आर्टिकल आपको। इसमें यह बताया गया है कि एक तरीका क्या हो सकता है कि जिन जिन को टीबी है उसकी गारंटी ले एक सक्षम व्यक्ति की, क्योंकि टीबी में क्या होता है, आपको रेगुलर दवाई खानी होती है, डॉट्स वाली जो दवाई आती है वो टीबी के लिए ही आती है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ और डिटेल दी हुई है, तो आप इसको यहां से पढ़ सकते हैं, जैसे कि राज्यपाल ने शासन की उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा लोन योजना, सौभाग्य योजना के से लाभान्वित हितग्राही महिलाओं से बात करने के लिए। तो अब आपको यहां से मेन क्या उठाना है कि उज्ज्वला योजना क्या है, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, मुद्रा लोन योजना क्या है, सौभाग्य योजना क्या है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, तो सेम एडिटोरियल यहां पे इंग्लिश में है कि जितने भी टीबी के पेशेंट्स हैं, टीबी से रिलेटेड, टीबी के जो बच्चे वाले पेशेंट हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठाने की जरूरत है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप विल स्ट्रेंथन वुमेन फाइनेंशियली। आगे चलते हैं, एमपी में एक क्या कहते हैं, जो रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयंत्र किया गया, मतलब फर्स्ट ऑफिशियल रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया गया, तो यह पूछा जा सकता है कि यह सबसे पहला ऑफिशियल रूफटॉप सोलर पावर प्लांट कहां पे लगाया गया, तो याद रखना यह भोपाल में लगाया गया। सारी चीजें आज का जो पूरा लेक्चर है सब कुछ भोपाल में ही है, तो याद करना आसान हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश के पहले शासकीय रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में किया गया, तो याद रखना भोपाल में किया गया ये,
ठीक है, ये देख रहे हो ये सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, और ये कहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं या बड़े बड़े कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग्स होती हैं, तो उनकी छतों पे ये रूफटॉप पे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा, हम सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी सोलर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है उसको टैप कर पाएंगे, सोलर एनर्जी को टैप कर पाएंगे। गॉट इट? तो ये सबसे पहले कहाँ पे लगाया गया, भोपाल में। किसानों को 1 साल में दिए जाएंगे 35,000 करोड़। मतलब अगेन ये फार्मर डिस्ट्रेस को रिड्यूस करने वाला एडिटोरियल है, और यहाँ पे आपको कुछ स्कीमों के नाम मिलेंगे और कुछ क्या कहते हैं इनिशिएटिव के बारे में पता चलेगा जो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं। इज दैट क्लियर? ये एडिटोरियल बीच बीच में मैं क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, सो दैट क्योंकि अभी आप पढ़ते रहोगे तो आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, इसलिए मैंने ये बीच में डेलिबरेटली इंक्लूड किए हैं। इज दैट क्लियर? और ये आपको पढ़ने हैं, अगर आपको मान लो फॉन्ट साइज छोटा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और जो पेड सब्सक्राइबर हैं उनको तो मैं वहां पे प्रोवाइड कर ही दूंगा क्लासरूम में, ठीक है? सो प्लीज एंड प्लीज रीड देम। सेम एडिटोरियल यहां पे इंग्लिश में है फॉर इंग्लिश एस्पायरेंट, सो प्लीज गो थ्रू इट। अगला जो आपका करंट अफेयर है उसमें यह बताया गया कि एमपी में अभी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था। क्या? एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, और यह ऑर्गेनाइज किस तारीख को हुआ था यह याद रखना है, 11 जुलाई 2018 को मध्य प्रदेश में ऊर्जा अधोसंरचना विकास पर्व कब मनाया गया, तो याद रखना 11 जुलाई 2018 को, ठीक है? एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया गया, 11 जुलाई 2018 को। आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है ये कहां पे सेलिब्रेट किया गया, कहां पर इसको सेलिब्रेट किया गया, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। 11 जुलाई को सभी जिलों में होंगे बिजली बिल माफी योजना के कार्यक्रम, ठीक है? अभी जो मैंने आपको बताया कि फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो उसी दिन क्या है बहुत सारे लोगों के बिजली बिल माफ किए जाएंगे, और ये जो बिजली बिल माफ किए जाएंगे अगेन याद रखना ये किसके तहत किए जाएंगे, जन कल्याण योजना या संबल योजना के तहत। तो इस बार मुझे ये इंस्टिंक्ट कहती है कि जन कल्याण योजना के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा प्रीलिम्स में, तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है? तो यहां पे आप देखिए शिवराज सिंह चौहान ने कहा संबल योजना प्रदेश के गरीबों का संबल बन गई है, यह जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। तो ये सारी उसके बारे में डिटेल लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेना। ऑन जुलाई 11 ऑल डिस्ट्रिक्ट विल हैव इलेक्ट्रिसिटी बिल एमनेस्टी स्कीम प्रोग्राम, और वो आपको मैं बता ही चुका हूं वाई दिस एमनेस्टी प्रोग्राम इज देयर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की मुख्य सचिव किसे बनाया गया, तो आपको याद रखना है मुख्य सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये चीफ सेक्रेटरी लिखा हुआ है इसकी जगह आप लिख लो प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसको बनाया गया, श्रीमती बीरा राणा को। किसको बनाया गया, श्रीमती बीरा राणा को। चलिए आप ये बताइए एमपी के चीफ सेक्रेटरी का नाम क्या है, एमपी के चीफ सेक्रेटरी का नाम क्या है, और इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी का नाम क्या है। चीफ सेक्रेटरी का जो ऑफिस होता है वो स्टेट में सबसे बड़ा ऑफिस होता है, ठीक है? एक एक जो परमानेंट ऑफिशियल की अगर बात की जाए, और कंट्री बेसिस पे कैबिनेट ऑफिशियल सबसे बड़ा होता है, कैबिनेट जो सेक्रेटरी होता है वो सबसे बड़ा ऑफिशियल होता है, ठीक है ना? तो आप इन दोनों के नाम बताओगे। अच्छा, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये चीफ नहीं है ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। तो जो हमारे एमपी के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त हुई है, और उनका नाम है मिसेस बीरा राणा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना, बीरा राणा ये रही हमारी चीफ गवर्नर। और ये मेरे ख्याल से एक्चुअली इनका फोटो नहीं मिल रहा था, तो मैंने पता नहीं ये उन्हीं का फोटो है या नहीं, ये बीरा राणा का फोटो है, ठीक है, बीरा राणा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं दैट आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा इस लेक्चर से। अगर आपको ये लेक्चर काम का लगा हो और आपको लगता है कि दूसरों को देखना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। कोई क्वेरी या कोई डाउट आए तो पहले तो मुझे माफ करना, और फिर भी क्लियर करने के लिए इस ईमेल आईडी पे मेल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी लाइक करना, कमेंट करके अपने सुझाव देना, या फिर कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेल आइकन पे प्रेस कर देना तो नोटिफिकेशन आ जाएंगे आपको, ठीक है दोस्तों? उसके अलावा जो प्राइवेट वीडियो का जिनको एक्सेस चाहिए और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर सकता हूं, ठीक है? क्योंकि मेरा पूरा बस यही मानना है कि जो भी नीडी है उनकी मदद हो सके। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, 10 बिदानिया।